सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम अपने स्टॉक को एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शीट हमारी वर्क कैसे करेगी। जैसे यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, एक तरफ है स्टॉक इनवर्ड, स्टॉक आउटवर्ड और यहाँ पे है बैलेंस स्टॉक। तो जो भी स्टॉक हमारा इन होगा वो इनवर्ड के अंदर आएगा, जो भी आउट होगा वो आउटवर्ड के अंदर आएगा और जो भी आइटम बैलेंस रहेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर सारी आइटम आपको ड्रॉप डाउन के अंदर मिल जाएगी, आपको बस ड्रॉप डाउन खोल के आइटम को सिलेक्ट करना है। तो अगर ड्रॉप डाउन का यूज़ करके आप मेंटेन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। पहली बात तो टाइम बचेगा आपका कि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, और दूसरा गलती के चांसेस भी बहुत कम होंगे। अब शीट पे वर्किंग देखते हैं कि शीट वर्क कैसे करेगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे बैलेंस स्टॉक के अंदर कुछ हमारे पास आइटम हैं, सारी आइटम जो हैं जीरो हैं। अब जैसे स्टॉक इनवर्ड के अंदर हम स्टॉक इन करते हैं, आज की डेट डालते हैं, आइटम डालते हैं पेंसिल और क्वांटिटी में डाल देते हैं 100। अब यहाँ पर पेंसिल का बैलेंस हो गया हमारे पास 100। स्टॉक आउट के अंदर भी आज की डेट डालते हैं, आइटम वापस से डालते हैं पेंसिल और क्वांटिटी के अंदर डाल देते हैं 20। तो जो भी बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। अब कोई दूसरी आइटम लेके देखते हैं, जैसे मैं दोबारा से आज की डेट डालता हूँ। अब आइटम जो है हम कैलकुलेटर लेते हैं और क्वांटिटी के अंदर डालते हैं 150। अब कैलकुलेटर भी हमारे पास बैलेंस के अंदर 150 हो चुका है। अब इसको आउट करेंगे, आज की डेट डालते हैं। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेटर की जगह पेंसिल डालता हूँ। इसके नीचे वाली रो के अंदर हम कैलकुलेटर डाल के देखेंगे। तो जैसे क्वांटिटी के अंदर भी हम कुछ भी डाल देते हैं और बैलेंस जो है वो अपने आप आ जाएगा। अब कैलकुलेटर डालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर डालूँगा तो ही वो काउंट होगा। मैं अगर स्टॉक आउटवर्ड के अंदर कहीं भी कैलकुलेटर टाइप करके क्वांटिटी डालूँगा तो भी वो काउंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे ना डाल के यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी इसने काउंट किया है। अब ये तो हो गई इसकी वर्किंग की बात कि ये कैसे वर्क करती है या कैसे वर्क करेगी। इसको बनाएंगे कैसे अब ये जानते हैं। तो जो भी आपकी टोटल आइटमें होंगी वो आप बैलेंस स्टॉक के अंदर यहाँ पे लिख देंगे। हो सकता है आपके पास 2 आइटम हो, 20 आइटम हो या 50 आइटम हो, वो ऐसे ही लिखेंगे आप। तो सारी आइटम लिखने के बाद अब यहाँ पर इसको हम ड्रॉप डाउन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे स्टॉक इनवर्ड आइटम वाले कॉलम के अंदर। यहाँ पर आने के बाद जहाँ तक आपको ड्रॉप डाउन लगाना है वहाँ तक के सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डाटा वाले टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, नीचे सोर्स बताएंगे, आइटम सेलेक्ट करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी लिस्ट जो है बन चुकी है, आप ड्रॉप डाउन से आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक सेल को कॉपी करके दूसरी तरफ आउटवर्ड वाली आइटम वाले कॉलम के अंदर भी पेस्ट कर देंगे। अब दोनों तरफ आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन कर सकते हैं। इतना होने के बाद अब हमको चाहिए कि जो हमारा बैलेंस स्टॉक है वो भी दिखाए। अब क्वांटिटी वाले कॉलम के अंदर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे,
इक्वल सम इफ ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है रेंज कि कहाँ तक का हमको टोटल दिखाना है। तो हमको अभी यहीं तक का टोटल दिखाना है, इसके बाद F4 प्रेस करेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। एक कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया बताना है कि क्या चीज़ हमें चाहिए, किस पर्टिकुलर चीज़ की हमको वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमको पेंसिल की चाहिए, तो हम पेंसिल के ऊपर जाके सिलेक्शन करेंगे, फिर से कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमको बतानी है सम रेंज, कहाँ का टोटल चाहिए, तो हमको यहाँ का चाहिए। वापस से F4 प्रेस करेंगे ताकि ये फ्रीज हो जाए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये तो हो गया टोटल के लिए। अब हमको आउटवर्ड के लिए माइनस भी करना है। इसी फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लगाएंगे माइनस, लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट लगाएंगे, वापस से रेंज बताएंगे। रेंज अब इस बार होगी हमारी आउटवर्ड वाली आइटम वाला कॉलम। F4 दबा के इसको वापस से फ्रीज करेंगे, कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया बताएंगे, वापस से पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद हमको बतानी है सम रेंज, तो इस बार सम रेंज होगी हमारी आउटवर्ड वाली क्वांटिटी वाला कॉलम। F4 प्रेस करके इसको फ्रीज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो अब हमारी शीट रेडी हो चुकी है। तो आप इस शीट को बनाएं, इसको यूज़ करें। इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो नीचे कॉमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के अंदर। Thanks for watching.